हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और खुश भी, क्योंकि मुझे मिला है एक न्यू फ़ोन जो कि मेरे भाई की तरफ से मुझे गिफ्ट मिला है एनिवर्सरी का। तो मैंने उसने मंगाया है फ्लिपकार्ट से ही, और ये है उसका बॉक्स। अभी अभी ये आया, अभी अभी मैंने रिसीव किया है, इसको ऑनलाइन मंगाया गया है। और अभी मैं खोलने ही जा रही थी, तो इसकी अनबॉक्सिंग करने जा रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो आपसे शेयर करती हूँ मैं, और उसके बाद ही मैं इसको यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले मैं इसको बॉक्स से निकालती हूँ, आपके सामने निकाल रही हूँ मैं। अभी मैंने इसका बॉक्स भी नहीं फेंका, वैसे कुछ भी आता है प्रोडक्ट तो मैं उसका बॉक्स बाहर ही फेंक देती हूँ, उसके बाद ही मैं अंदर लेके आती हूँ। तो टैंटडैन, ये है मेरा, वाह, येलो कलर का इसका बॉक्स है, कितना क्यूट लग रहा है। और ये है रियल मी का 8 प्रो, रियल मी का 8 प्रो है ये, और 6 आ चुका है, 7 आ चुका है, 8 अब आया है। तो अभी अभी ये लॉन्च हुआ है और अभी अभी इसको किया गया ऑर्डर। इसका जो रेट है वो है 16,500 का, और ये मेरे भाई ने गिफ्ट किया है स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि मैं बनाती हूँ वीडियो। तो उसने कहा था कि इसका जो कैमरा है वो बहुत ही अच्छा है, इसमें 4 कैमरे दे रखे हैं बैक में और 2 कैमरे हैं इन फ्रंट। और उसके बाद मैं इसको ज़रा खोल के दिखाती हूँ, मैं भी देखती हूँ कि ये कैसा है। इसकी अनबॉक्सिंग कर रही हूँ मैं आप लोगों के सामने ही, और होप करती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे और पसंद भी करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको खोल लेती हूँ। सबसे पहले तो मेरा जो फेवरेट कलर है वो है येलो, और येलो जो बॉक्स है वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा है मुझे। और उसके बाद मैं बॉक्स में से निकाल के इसको देखती हूँ। काफ़ी ज़्यादा टेप वगैरह लगा हुआ है, तो थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा है निकालने में। और आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेरा ये न्यू फ़ोन कैसा लगा। और हाँ, मैं ज़रूर, अगर आप भी फ़ोन लेना चाह रहे हैं तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप रियलमी का लीजिए, क्योंकि सबसे बेस्ट जो इसकी क्वालिटी है वो है कि इसके जो रियलमी के जो फ़ोन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट होते हैं, और वो जो है वो कैरी करने में बहुत ही ज़्यादा आसान होते हैं, पॉकेट वगैरह में या पर्स वगैरह, आपका छोटा सा भी पर्स हो तो उसमें ज़्यादा वजन नहीं होता है। तो ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा यूज़ करने में मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। करीब मुझे 5 साल हो गए मैं रियलमी के फ़ोन यूज़ कर रही हूँ, ये मेरा 3रा फ़ोन है रियलमी का, और इसीलिए मुझे रियलमी के जो फ़ोन है वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट लगते हैं। मैंने खोल लिया है ये, अरे वाह, इसके साथ निकला है बैक कवर जो कि सिलिकॉन बॉडी का है, इस टाइप से ट्रांसपेरेंट कवर निकला है इसका बैक कवर। और सबसे मस्त जो है वो मैंने इसको, मतलब मैंने ऑर्डर नहीं किया, मेरे भाई ने मुझे दिया, तो उसने स्पेशली मुझे दिया है वीडियो के लिए ही, क्योंकि इसका जो कैमरा है वो बहुत ही ज़्यादा मस्त है। और मैं इसको यूज़ करके, और आप मेरे वीडियो क्वालिटी देख के समझ जाएंगे कि अब से जो वीडियो बनेंगे वो उसी फ़ोन से बनेंगे। वाह, इसका जो चार्जर है वो कुछ इस तरीके का है, स्क्वायर शेप में दे रखा है चार्जर, और एक एक चीज़ मैं आपको पढ़ के बताऊंगी, क्योंकि अभी मुझे खुद नहीं पता है कि इसमें क्या क्या है। ये मुझे गिफ्ट किया हुआ है तो मैंने अभी इसके बारे में कुछ भी सर्च नहीं किया था, मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर रही हूँ, और इसीलिए मैं इसमें देख देख के ही आपको बता पाऊँगी कि इसमें क्या है। और ये रहा हमारा फ़ोन, वाह, ये छूने में मुझे इतना मस्त लगता है रियलमी का, बिल्कुल लाइट वेट होता है, इससे लाइट वेट मैंने किसी भी कंपनी का फ़ोन नहीं देखा है। इसीलिए मैं आपको, अगर आप फ़ोन लेना चाह रहे हो, आप सोच रहे हो कि मैं किस कंपनी का लूँ, तो आप प्लीज़ रियलमी का फ़ोन एक बार मेरे कहने से ज़रूर यूज़ करके देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि रियलमी का फ़ोन कितना लाइट वेट और कितना ज़्यादा कंफर्टेबल होता है यूज़ करने में। वाह, इसके कैमरे देख के तो मैं शॉक्ड ही हो गई हूँ, क्योंकि इसमें दे रखे हैं बैक में 4 कैमरा, और ये इतना ज़्यादा शाइन कर रहा है, ये सिल्वर कलर में है तो बहुत ही ज़्यादा ये शाइन भी कर रहा है, इतना सुंदर कलर है इसका, आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा शाइन कर रहा है, इसका कलर ही बहुत ज़्यादा मस्त है, सिल्वर कलर है। और इसको पकड़ने में एक जो फीलिंग आ रही है मुझे, इसकी स्क्रीन भी आप देख सकते हैं, मेरे ख्याल से जो इसकी स्क्रीन है वो, और इसका जो वेट है वो 177 के ग्राम के करीब लग रहा है मुझे, मैंने साथ पढ़ा भी था अभी किसी जगह पर कि इसका 177 ग्राम का है ये इसका वेट। और इसके साथ ये दे रखी है कि ये भी मैं अभी आपको खोल के दिखाती हूँ। अगर आप फ़ोन लेने का सोच रहे हैं तो आप एक बार रियलमी का फ़ोन ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि ये मेरा 3rd फ़ोन है रियलमी का, और ये मैं इसमें
सिम कार्ड जो दे रखा है लगाने की जो जगह है वो मैं निकाल के देख रही हूँ किस टाइप से है। सिम कार्ड जो ट्रे होती है वो इस तरीके के है, इसमें दो सिम और एक आपका मेमोरी कार्ड लगेगा जो हर एक फ़ोन में आता है इस तरीके का। जो सिम कार्ड ट्रे है वो इसके दे रखी है साइड से, और इसके जो बटन्स हैं एक हो गया वॉल्यूम का, एक हो गया ऑन ऑफ का, और नीचे इस तरीके की इसमें पिन लगाने के लिए है और स्पीकर वगैरह है। मैंने अभी यूज़ नहीं किया, मैं आपको फिर से बता दूँ, मैं कोई भी चीज़ फेक नहीं बताती हूँ, लेकिन ये मुझे पकड़ने में और यूज़ करना तो दूर की बात है, लेकिन ये जो कैमरे वगैरह है इसको देख के मैं शॉक्ड हो गई, क्योंकि ये कैमरे के पर्पज़ से ही ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और इसीलिए मुझे गिफ्ट किया गया, क्योंकि इसका जो कैमरा बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। और अगर आप भी कैमरे के शौकीन हो वीडियो बनाने के, फ़ोटोज़ के, और आजकल सभी लोग फ़ोटोज़ के शौकीन होते हैं, तो इसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है रियलमी का 8 प्रो। और इसके साथ चार्जर मैंने आपको दिखाई दिया, इसकी पिन दिखा दी है, इसके साथ निकला ये बैक कवर। और इसकी जो और भी ज़्यादा जो फंक्शन है इसमें, जो 8 जो 4 बैक कैमरा दे रखे हैं उसमें से एक है 108 मेगापिक्सल का, और जो नीचे वाले जो है वो है 22 मेगापिक्सल के, और जो ये वाला कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल है। और इसकी जो बैटरी बैकअप है वो 4500 मेगावाट जो भी होता है वो है, मुझे अभी ज़्यादा जानकारी नहीं है। इसका जो वेट है वो 177 ग्राम है, और बॉक्स पे जो भी कुछ लिखा है मैं बस वही आपको बता रही हूँ। जो फ्रंट कैमरा है वो उसका 16 मेगापिक्सल का, और इसमें मोनो स्पीकर्स हैं। साउंड के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, सबसे पहले है ये कैमरे के लिए और दूसरा है साउंड के लिए। और इसकी जो स्क्रीन है अभी इसमें कुछ भी पड़ा हुआ नहीं है, तो मैं इसमें इसको यूज़ करके आपको दिखाऊंगी कि मैंने ऑन किया है अभी। पावर बाय एंड्रॉयड लिखकर आ रहा है रियलमी। बहुत ज़्यादा मुझे अच्छे लगते हैं रियलमी के फ़ोन। अभी तक मैंने जितनी भी कंपनी के फ़ोन यूज़ किए हैं उसमें से मुझे रियलमी का अच्छा लगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यूज़ करने में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, बहुत ही लाइट वेट है। आप मतलब सोच भी नहीं सकते ये कितना लाइट वेट है, हाथ में पकड़ने में इतने बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा डिटेल अभी नहीं बताऊंगी, मैं यूज़ कर लूँगी इसको, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपको इसकी डिटेल बताऊँगी। फ़िलहाल आप चैनल को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आप ही का चैनल है, जो भी मेरे पास न्यू इन्फॉर्मेशन होती है मैं आपको आपसे शेयर ज़रूर करती हूँ। और मैं इसके बॉक्स पर भी पढ़ लूँ, शायद कोई चीज़ रह ना जाए। मैंने इसको फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है, और फिर से मैं इसका रेट बता दूँ, ये 16,500 का। और फिलहाल तो अभी इसके बॉक्स का और भी कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं दे रखी है, और अगर मैं कुछ भूल भी रही होंगी तो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो आप देखते रहते हैं, जो मैं ब्लॉग बनाती हूँ, उसमें आपसे शेयर ज़रूर कर दूँगी। और फिलहाल ये बहुत ज़्यादा बेस्ट फ़ोन है कैमरे और साउंड के हिसाब से, और इसका जो फ्रंट कैमरा है वो साइड से दे रखा है, इस तरफ बीच में नहीं है इसका फ्रंट कैमरा, इधर साइड से है। 6 प्रो आया था पहले, 7 प्रो आया था, अब ये आया है 3rd जनरेशन यानी कि 8 प्रो, और अभी लॉन्च हुआ है और मुझे मिला है तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। 64 मेगापिक्सल इसका एक कैमरा है पीछे जो दे रखा है, और ये बैटरी के मामले में बहुत ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि इसकी बैटरी चलने वाली है पूरे 48 घंटे इसमें दे रखा है, कि बैटरी के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और कैसा लगा आपको मेरा ये न्यू फ़ोन मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैं इससे अच्छे अच्छे वीडियो बना के आपसे शेयर करने वाली हूँ। और कुछ अगर मैं भूल लेंगी तो मैं आपसे ज़रूर इसके बारे में आगे वीडियो में शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो आप यहीं पर इस वीडियो को करती हूँ एंड। 16.3 सेंटीमीटर इसकी जो स्क्रीन है वो है 16.3 सेंटीमीटर इसकी स्क्रीन है, और 64 मेगापिक्सल इसका एक जो कैमरा है फ्रंट बैक वाला वो है, बैटरी बैकअप इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है, और ज़्यादा कुछ तो इसमें बॉक्स पर लिखा नहीं है, बस जो 4-5 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं
स्क्रीन के बारे में, कैमरे के बारे में, बैटरी बैकअप के बारे में, वो सब इसका बहुत ज़्यादा बेस्ट है। स्पीकर तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है इसका, मैंने ऐसा सुना है अपने भाई के मुंह से ही, और उसने ही सर्च करके ये मुझे दिया है। तो थैंक्स रजत मुझे इतना अच्छा फ़ोन गिफ्ट करने के लिए, और इतना अच्छा एनिवर्सरी गिफ्ट है ये मेरा, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। वैसे भी मुझे पिछली बार भी उसने मुझे बर्थडे पे फ़ोन ही गिफ्ट किया था, वो भी रियलमी का था 7 प्रो और ये है 8। तो और उससे पहले भी उसने ही मुझे फ़ोन ही गिफ्ट किया था, तो ये उसकी तरफ से मेरा 3rd फ़ोन है जो उसने मुझे गिफ्ट किया है। वो हमेशा मुझे फ़ोन ही ज़्यादा गिफ्ट करता है, क्योंकि वो जानता है कि मुझे फ़ोन का बहुत ज़्यादा शौक है, वीडियोग्राफी का और फोटोज़ वगैरह का, इसलिए मेरे लिए बेस्ट गिफ्ट है। और मैंने इसके इसमें जो कवर दे रखा था वो लगा लिया है। अब मैं इसका एक कवर और ऑनलाइन मंगाऊंगी इसके हिसाब से, जो मतलब इसकी सेफ्टी के लिए, क्योंकि बच्चे हैं तो फिर इसलिए टूटे फूटे ना। फिलहाल मैं फिर से आपसे कहूँगी कि आप एक बार रियलमी का फ़ोन ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि ये बहुत लाइट वेट होता है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ करने में सिंपल है, कैमरा इसका बहुत ज़्यादा बेस्ट है, स्पीकर बहुत ज़्यादा बेस्ट है, बैटरी बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो आपको कैसे लगा ये वीडियो मेरा, और मुझसे जुड़ने के लिए चैनल को फटाफट से नीचे लाइक कर दीजिए जो रेड कलर का लिखा हुआ है, बेल आइकन को दबाना ना भूले। मिलते किसी नए और किसी टॉपिक के साथ, नई किसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।